जी सरदार डोगर डोगर मोटर ननकाना तो जी, अज असी आए हैं माशाल्लाह अपने नवे ऑफिस के वास्ते समान लैन वास्ते, और मुंडिया ने कहा जी डोगर साहब तुसी नाल ही जाना है। मैं चलो मैं भी नाल चलना, और माशाल्लाह इतने शालमी आए हैं, शालमी काफ़ी दोस्त मिले ने, ते और जिंदे को भी गए हैं उन्हें बड़ी ऑनर की थी। अगर शबीर भाई माशाल्लाह ये भी नीयत दे वाली ने, शहजादे बंदे ने, बड़ी ऑनर की थी और बड़े बड़े सस्ते रेट से सानू इन्होंने समान दिता है। मैं बस हक हलाल दे पैसे हो ना तो मैं कहना ना कितने नहीं जाते। अज मैं तुहानू ये गल दसन लगा कि यह लक्ष्मी चौक इन्हां दी दुकान है और फर्नीचर की, और इन्हों को समान है सिर्फ दफ्तर का ही। हाँ ऑफिस किसी ने भी तैयार करना हो तो इतने आओ, और सब तो वड्डी गल है कि इन्हां दे नाल एक दुकान है फैबर फर्नीचर के नाम तो इन्हों की अपना अपना शॉप है, शोरूम है, और इन्होंने नाल एक दुकान है, वह मेरा फॉलोअर है। और उन्हें मैं ना उस दिन मैं आया वो दुकाना बंद सन अफतारी तो बाद, असी उस दिन भी चक्कर लगाया सी, ते उन्हें सानू ना कहा जी डोगर साहब मैं थोड़ा फॉलोअर हाँ, और शायद वो असं उस दिन लै भी लेंदे, बस लेंदे लेंदे रह गए। उ टेबल असि 85,000 रुपए की लै रहे स, जी टेबल अज सू मिली है 50,000 रुपए की, फॉलोअर भी किया है। मैं यार गल सुन, जो फॉलोअर से ना वह अगे होके गल नहीं करता, वह होर से मुंडा नाल गल कर, मैं भाई गल सुन तेरे अभी गल नहीं करनी, मुंडा सू तू कहा मैं एडा रेटा रूटा का कुछ नहीं पता, रेट नहीं करने जे डोगर साहब तो जिम्मे कहो के कर लागे। मैं अच्छा फिर मैं भी आना, मैनू समझ नहीं आया बंदा, बस गल है कि मेरे पैसे हक हलाल देने और चंगी जगह लगने, क्योंकि मैं कभी दो नंबरी करके पैसा कमाया नहीं, तो मेरे नाल भी कोई दो नंबरी नहीं कर सकता, मेरा एक कीदा है। और मैं खुले दिल नाल पैसे देना, मेरे मुंडिया भी खुले दिल नाल देना सारा दिन, क्योंकि मैनू पता भी मेरा पैसा जाया नहीं हो सकता, मैं हक हलाल दे पैसे कमाना। और देखो ना मैं गड्डिया दी कमीशन फिक्स की हुई है 11,000 रुपया, 12,000 लैन वाले बेचने वाले को लेने, 13,000 लैन वाले को लेने, कई ऐसे दोस्त ने वो आते हैं साढ़े को 20 लवो 30 लवो 50 लवो, लेकिन मैं ना ना मैं यही लैनी है जी मेरी बनती है, और बड़ी वही गल है, इंज करता कोई नहीं। और उंज लोग लंगर चीसा पा देंगे ने, पैसे दे जाते हैं डोगर साहब, फिर लंगर चीसा पा लो साडा, देगा पका लिया जे, देगा बन दिया जे। कल एक बंदा आया साडा भरा है, मलक साहब आए, उन्होंने कहा जी डोगर साहब कल मन दुध तैयार करा के भेजेंगा अफतारी का बदम वाला। यह वेखो ना मुहब्बत चाहत लोगों की, कोई बर्फियां लैके आ रहा है, कोई फ्रूट लैके आ रहा है, कोई मिठाइया लैके आ रहा है, तो अज माशाल्लाह साडे भरा ने सानू साडा दिल जित लिया जी, इन्हें कहा डोगर साहब खरीद रेट से तुहानू मैं यह समान दे रहा, क्योंकि तुसीं आए हो मेरे को, मैनू खुशी बड़ी हुई है, और मेरा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਓਨਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, 0300 ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, 0300 ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਾਲਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 470 63 55, 0300 33 400 321, 0300 21 470 63 55, ਖੈਬਰ ਫਰਨੀਚਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ। अगर किसी भाई ने ऑफिस का समान लेना तो इतने जरूर विजिट करो एक बार, पूरे पाकिस्तान जो तुसी रेट ले लेने ने, और फिर इतने आना है इनशाला, तो पता आप ही लग जाएगा, नाम मेरा उदो लेना है बाद वेच। पहले खुद तुसी रेट रूट चेक करने ने, तो खुद ही पता लग जाएगा भी इतों के रेट मुनासिब ने, और इन्हों की किस्मत साढ़े पैसे सन लैन हूं असी उन्दे को ही आए हैं फर्नीचर, अल्लाह ने इंज मोड़े हैं वो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੋਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 85,000 ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਕੇ ਚੱਲ 50,000 ਵਿੱਚ ਲਾਬੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਸਲ ਇਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ 4,000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੱਕ ਲਾਲਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਗਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਮੈਂ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਮਗਰ ਮੈਂ 2,00,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ 10 ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਰ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਭੇਜੋਗੇ